आपको बता दें कि रांची की निर्भया के दोषियों को सजा का ऐलान आज होना है। लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंगरेप मामले में कोर्ट आज सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई है। आपको बता दें कि इस मामले में कुलदीप उराव, सुनील उराव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उराव, नवीन उराव, इसी के साथ बसंत कश्यप और रवि उराव, रोहित उराव, ये वो नाम है जो दोषी है, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। सुनील मुंडा, ऋषि उराव को सजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, रांची की निर्भया के जो दोषी हैं सजा का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज, आखिरकार मामले ने कोर्ट ने जो 11 आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जघन्य अपराध के तहत ये सजा दी गई है। 26 नवंबर 2019 की ये पूरी वारदात थी और आज इस मामले में फैसला आया है। तो इसी के साथ मैं आपको दोषियों का नाम एक बार फिर से बता दूं जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुलदीप उराव, सुनील उराव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उराव, नवीन उराव, बसंत कश्यप, रवि उराव, रोहित उराव, सुनील मुंडा, ऋषि उराव को सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा इन लोगों को दी गई है। 26 नवंबर 2019 को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सिविल कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर क्या फैसला आएगा। तो रांची की निर्भया के गुनाहगार को आज सजा का ऐलान हो चुका है। आखिरकार इंसाफ मिला है, 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। जघन्य अपराध के तहत ये सजा दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा, और आज वो दिन, वो समय, वो घड़ी आ ही गई जब इन 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन दोषियों के नाम भी हमने आपको बताए और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला 26 नवंबर 2019 का था जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी के साथ सिविल कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में जो दोषी हैं कुलदीप उराव, सुनील, संदीप, अजय, राजन, नवीन, बसंत, रवि, रोहित, सुनील, ऋषि, ये वो दोषी हैं जिनको आज सजा सुनाई गई है। तो फैसला यहां पर आ गया है। इस दिन का इंतजार, वो घड़ी अब खत्म, वो समय आ चुका है जब इन सभी दोषियों को सजा सुनाई गई है और सजा दी गई है आजीवन कारावास की। देखिए, काफी लंबे समय से इंतजार इसका था। ज्यादा बातचीत के लिए लाइव कामरान इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, जिस समय का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, आज वो आ गया है। सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जाहिर सी बात है, एक तरीके से रांची की निर्भया को इंसाफ मिला है और जिस तरीके से पीछे 26 फरवरी को जो दोषी करार दिए गए थे तमाम अभियुक्त, उन पर सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमारे साथ अधिवक्ता डिफेंस की तरफ से, उनसे भी पहले बात करते हैं और तमाम लोगों से प्रक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ फैसला रहा कोर्ट का? कोर्ट सारे आरोपियों को, एक तो नाबालिग इसमें हो गए, उसके अलावा जो 11 जो कन्विक्ट थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास नहीं कही कि उनको आजीवन कारावास, टिल हिज लाइफ, अपने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा है। सर, क्या कुछ कहा कोर्ट की, क्या टिप्पणी रही, क्योंकि जो जघन्य अपराध था उसे लेकर आज जो सजा के बिंदु पर जो सुनवाई होनी थी सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत में जो है कोर्ट ने 376D में सभी अभियुक्तों को, 11 अभियुक्तों को जो है अंतिम सांस तक में कस्टडी में रखने की बात की है और उनको जो है कई दफा में अलग अलग उन्होंने इसमें सुनाया है। 379 में उन्होंने 3 साल की सजा सुनाई है, 323 में 1 साल की सजा सुनाई है, 366 में 10 साल की सजा सुनाई है और 376D में उन्होंने उम्र अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है। और उन्होंने बोला कि ये जघन्य अपराध है और प्रोसिक्यूशन के तरफ से बोला गया है कि जो अंतिम से कड़ी सजा दिया जाए वो किया जाए। बचाव पक्ष के द्वारा बोला गया कि नाबालिग, मैंने इन लोग बच्चे हैं, पहला ये इंस्टांस है उन लोगों का। लेकिन
जो प्रोसिक्यूशन ने बोला और जो सूचक के द्वारा जो यहाँ अधिवक्ता ने अपना बात रखा, उन्होंने बोला कि निर्भया में जो मुकदमा में जो बात एक हुई थी, घटना घटी थी, ये उससे भी जघन्य अपराध है। और इसी को बात को लेते हुए जो है आज कोर्ट ने सभी की सुनवाई के उपरांत में जो है इनको, इन सभी अभियुक्तों को, 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास जब तक उनकी सांस चलेगी तब तक रखने को सजा सुनाई गई। बड़ा फैसला है कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आप लोग भी लगातार मांग कर रहे थे जब दोषी करार दिए गए थे तमाम अभियुक्त, तो आपका भी कहना था और पूरे लॉयर्स का एक महकमा भी कह रहा था कि उन्हें मैक्सिमम सजा दी जाए। ये कितना बड़ा मैसेज पेश करेगा सर? ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। आप नित्य रोज देखते होंगे, आज भी अखबार में देखे कि एक बार एक बच्ची के साथ में जो है सामूहिक दुष्कर्म करने की बात फिर से आई है। ये जो दुष्कर्म की बात जो आ रही है नित्य रोज समाज में, इससे जो है बच्चियों का निकलना बाहर में बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो बात है, जो आज जो घटना घटी है और आज जो सजा सुनाने की बात हुई है, ये समाज में एक मैसेज जाने का काम करेगा। और इसमें जो बात रखा गया था, अभी निर्भया केस में जो डिसीजन आया था कि इस तरह के मुकदमे में आपको ये नहीं देखना कि वो बच्चा पहला ऑफेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चाहे किस जात से बिलोंग करता है। आज एसटी एससी की भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने इसको दरकिनार करते हुए ये किया। और इससे मैसेज एक समाज में बहुत अच्छी जाएगी और इससे डर पैदा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से फिर आज ये बात बोलूंगा कि जितनी जल्दी किसी भी मुकदमे में निष्पादन होगा केस मुकदमे का, तो अभियुक्त को जरूर सजा मिलेगी। और ये उसी का नतीजा है कि 3 महीने के भीतर में इस पे जो है सुनवाई उपरांत जो है सजा सुनाने का काम किया गया। बिल्कुल, स्पीडी ट्रायल कोर्ट के तहत मामले की सुनवाई हुई थी और 26 फरवरी को तमाम अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। आज सजा की बिंदु पर सुनवाई होनी थी। साफ तौर पर कोर्ट ने सबसे पहले डिफेंस की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि जो भी अभियुक्त हैं वो छात्र हैं, उनका पहला ऑफेंस है, इसीलिए उन्हें कम सजा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से विभिन्न आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया था, धारा 376 रेप की घटना जो थी, धारा 366 13 भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, और साफ तौर पर 411 जो चोरी का सामान, तो तमाम जो आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अदालत ने उन्हें दोषी पाया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई और खास तौर पर उनकी अंतिम सांस तक उन्हें जेल में रहने का आदेश दिया गया है अदालत की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी थी उसके बाद तमाम 11 और इसमें सबसे अहम चीज कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी इस मामले पर तारीफ होती नजर आई थी, क्योंकि 3 महीने के अंदर मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन तमाम जो 11 आरोपी थे उन्हें 48 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज जो मैसेज आया है वो यकीनन एक बड़ा मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ जो डिफेंस लॉयर, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो फैसला है जीवन कारावास की सजा जो है अंतिम सांस तक, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ये जब तक जो कन्विक्ट हैं, जो भी दोषी हैं, उनकी जब तक सांस नहीं निकल जाते तब तक उनकी डेड बॉडी ही जेल से बाहर निकलेगी, डेड बॉडी जेल से बाहर निकलेगी। और साफ तौर पर जितना बड़ा फैसला होना था उसे लेकर तमाम जो पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं, कामरान मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज ये फैसला आया है, देखिए कितना इंतजार इस फैसले का किया जाता है, आप कैसे स्वागत करते हैं? देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है आजीवन कारावास का। जब तक उनका उनका देहांत नहीं होगा तब तक वो जेल में ही रहेंगे। और अब मुझे लगता है कि ये ऐसे फैसले से एक डिटरेंट होगा, इस बेटी को न्याय मिला है। और हमारी सरकार ने उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया था, बहुत कम समय में ये फैसला आया। और ऐसे फैसले अगर कम समय में आते रहेंगे तो जो इस तरीके का जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डिटरेंट होगा। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। न्याय मिला उस बेटी को, जिस तरीके से वैश्यों ने उसके साथ बिहेव किया था, हम इस फैसले का पूरे तरीके से स्वागत करते हैं। बहुत कम समय में फैसला आया। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी सरकार में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी और आज ये जो आया है इसमें फैसला, कहीं ना कहीं आप इसका क्रेडिट अपनी सरकार को देते हैं? नहीं, क्रेडिट नहीं, किसी बेटी को न्याय मिला है मैडम, इसको राजनीति से ना जोड़े। हमने बस खाली एक फैक्ट बताया आपको, एक बेटी को न्याय मिला है, बस हम सिर्फ इतना कहेंगे। जिस तरीके से जो अपराधी हैं इन्हें, और क्या आगे भी इसी तरीके से जो मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसे ही कार्यवाही होनी चाहिए, इतने ही स्पीड के साथ होना चाहिए कि जब ऐसे कोई मामला है उनमें तुरंत कार्यवाही हो और तुरंत रिजल्ट आए फटाफट? बिल्कुल, देखिए ये घटना अभी लोग भूले नहीं है, उसमें फैसला आ गया, तो इससे सीधे तौर पर ये लगता है कि ये अब जो अदालती कार्रवाई है वो अनंत समय के लिए नहीं टलने वाली है और तुरंत फैसला आएगा और जो दोषी उनको सजा होगी। और हम विपक्ष में हैं झारखंड में, और जब भी भगवान न करे ऐसा मामला है, लेकिन जब भी ऐसा मामला आएगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट
जरूर गठन करवाएंगे। बिल्कुल प्रतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजेश ठाकुर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। सर, आपने सुन लिया होगा फैसला आज आ गया है 3 महीने में, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि 3 महीने में ये पूरा फैसला आया है। जो स्पीडी ट्रायल था वो 3 महीने में पूरा हो गया। आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। देखिए, हम लोगों की हमेशा अपेक्षा रही है कि न्याय जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो मिलना चाहिए, और ये जो बातें कही जाती है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, उसको आज कहीं ना कहीं ज्यूडिशियरी ने इसको बढ़िया एक मैसेज देने का काम किया है जी। कि किसी भी जस्टिस को लेट करने से वो ठीक नहीं होता है, तो हम समझते हैं इसका भरपूर स्वागत होना चाहिए और पूरे देश में इस बात को लेकर के इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली में निर्भया वाला मामला है उसमें सारी बातें होने के बावजूद अभी तक जो है कहीं ना कहीं फाइलें घूम रही हैं। बिल्कुल। तो उस चीज को लेकर के जब एक न्याय होता है तो बिल्कुल त्वरित गति से ऐसे मामलों में खास करके न्याय मिलना चाहिए। वैसे न्याय जो है हमेशा जितनी जल्दी हो सके मिलनी चाहिए, ये हमारी सरकार है और हम चाहेंगे कि हम जो न्यायालय तो अपना काम अपने तरीके से। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ना सिर्फ आज रांची झारखंड बल्कि पूरे देश में एक मैसेज गया है कि इस तरीके के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल के तहत इस तरीके के मामलों का निपटारा करना चाहिए और बहुत जल्द हो सके तो इंसाफ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कामरान ने भी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम